स्वागत है आपका एटीवी भारत न्यूज चैनल की खास मुहिम हम चले गांव की ओर में। इस मुहिम के तहत हम प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं तथा लोगों की जायज समस्याओं को शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। इस मुहिम के तहत जिस भी ग्राम पंचायत में एक वर्ष में कितना कार्य किया गया, क्या क्या विकास ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा कराया गया, हम पब्लिक से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव तस्वीर है, आप नाइनंगला खंड नगीना की पंचायत से देख रहे हैं। आज हमने यहाँ पहुंचकर ग्रामीणों की राय जानी और ग्रामीणों से जाना कि आखिरकार ग्राम पंचायत नाइनंगला में अभी किन चीजों से ग्रामीण सरकार द्वारा जो नुहू मेवात जिला है उसमें ग्राम पंचायतों में कितनी राशि दी, ये जांचने और भापने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो जो नगीना या फिरोजपुर जिरका खंड की जो ग्राम पंचायत नाइनंगला है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं एक ऐसा रास्ता आपको दिखाना चाहूँगा कि जो रास्ता अब से पहले बिल्कुल उबड़ खाबड़ था, जहाँ ये रास्ता है जो लिंक रोड कुलताजपुर को जोड़ता है, सीधा इधर अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो इधर ये सीधा ये गांव है जो कुलताजपुर पड़ता है इस रास्ते में, और ये नाइनंगला ग्राम पंचायत का रास्ता है जहाँ से ये शुरू हो रहा है। बल्कि जो है ग्राम पंचायत के सरपंच ने जो अपने कार्यकाल में अब तक कितना विकास कार्य कराए वो हम जांचने भापने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार ग्राम पंचायतों का पैसा, हरियाणा सरकार द्वारा अगर पैसा दिया गया है वो व्यर्थ में तो नहीं गया है। बाकी कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, कौन सी पंचायत है? नाइनंगला। तो यहाँ कैसा विकास हुआ है नाइनंगला पंचायत? बढ़िया विकास हुआ है। तो ये रास्ता जिस पे हम खड़े हैं ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये नाइनंगला से कुलताजपुर। अच्छा, सरपंच कौन है आपका? तफजुल हुसैन, आरिसा सरपंच है। आरिसा सरपंच है। तो और क्या क्या काम कराए ग्राम पंचायत? गांव में पानी कुंडा बनवाए थे, एक दो रास्ता बनवाए जोड़ परली साइड में। अच्छा, पानी के कुंडे बनवाए। तो बताया जा रहा है कि उस स्कूल में रास्ते वगैरह बनवाए गए? स्कूल में रास्ता बनवाए, आप देख सकते हैं मौका पर। तो अच्छा काम किया, विकास बढ़िया हुआ। तो कुछ तो लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं कराया, पैसा हड़प कर गया सारे। नहीं, नहीं कराया, विकास कराया। कराया विकास। लगातार ये युवा हैं ग्राम पंचायत नाइनंगला के, जिनसे हम विकास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, किस तरीके से विकास हुआ आपकी पंचायत में? सही तरीके से हो रही जी विकास। सही तरीके से हुआ है, कोई दिक्कत ना अभी तक। तो ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है? जिस नाइनंगला से कुलताजपुर। तो इसमें किसने कार्य कराया है? इसमें प्रेजेंट के जो तफजुल सरपंच है उसने कराया सर। उसने कराया जी। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पीने के पानी की भी कुछ कमी है। हाँ जी, पानी। तो उसके लिए क्या प्रबंध सरपंच द्वारा किए गए हैं? उसमें कुंडे बनवाए हैं जी। अच्छा, कुंडे बनवाए? अलग कुंडे बनवाए। तो अच्छा काम किया है सरपंच? अभी तक फिलहाल बढ़िया काम हो रहा है जी। नहीं, आप बता रहे थे एक रास्ता है कोई? ये हमारा बीच गांव का रास्ता है जी, बहुत खराब है, बहुत कीचड़ है इसमें, बहुत प्रॉब्लम है, निकला ही नहीं जाता, पैदल भी नहीं निकला जा सकता, आप देख सकते हो जाके, बहुत प्रॉब्लम है, ये बनना चाहिए। तो जिला प्रशासन से क्या मांग करना? जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इस रास्ते को बनवाया जाए। जो एक रास्ता है, मुख्य रास्ता बीच का रास्ता है, ये दादा हनीफ के घर से पार जलालपुर साइड तक पार है पूरा। तो अभी तक आप संतुष्ट हो सरपंच के? हाँ, संतुष्ट है सरपंच से। लगातार हम ग्राम पंचायत नाइनंगला है उसके विकास कार्य दिखाने की आपको प्रयास कर रहे थे। उधर हमने एक रास्ता आपको दिखाया और इधर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रास्ता है बिल्कुल जो गांव का मुख्य मार्ग है और इस पे भी जो है टाइल वगैरह जमाकर किस तरीके से जो साफ सफाई आप इस पे देख रहे होंगे कि कहीं भी ग्राम पंचायतों में जो है अक्सर साफ सफाई नहीं मिलती। और एक लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगातार जो सरपंचों के प्रयास से, हरियाणा सरकार के प्रयास से, स्थानीय प्रशासन के प्रयास से जो है इन ग्रामीणों को पीने के प्यास बुझाने के लिए कुंडे वगैरह जो घर घर ये भी बनवाए गए हैं। तो इसकी लाइव तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो है पानी की प्यास बुझाने के लिए, यानी कि इस ये कुंडा जो है इसमें जो है पानी को स्ट्रोज कर रखा जाता है, इसमें संगठित करके रखा जाता है, उसके बाद में जो पीने का पानी है उसको ग्रामीण यूज करते हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फूलवती है। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? नाइनंगला। तो ये कुंडा जो बनवाया गया है किसने बनवाया? आप सरपंच ने बनवाया, तफलू ने। अच्छा, सरपंच ने कुंडे बनवाए? हाँ। तो यहाँ पानी की किल्लत है? पानी की बहुत कमी है जी, हजार का वो आ रहा टैंक, वो इसमें भरा जा रहा। अच्छा, सब जुगाड़ इसमें तैयार आ रहा, पानी पीता है, हमारे लिए भाई सरपंच बहुत अच्छा है, हमारा बढ़िया बेचारा ने कुंडा बनवाया हमारे लिए, और भी जो हम कहते हैं उसको करवा देता है सरपंच, गरीबों को साथ दे रहा है, गरीबों को साथ देता है। तो अच्छा लगा आपको, यानी हाँ, पानी लगा। पीने का पानी का प्रबंध तो आप हाँ, लोगों को हाँ, बढ़िया लगा। बताओ जी, प्यास आदमी कोई जागो और कोई मांगेगा तो हम बीच में तो एक बार गिलास पानी दे सके ना।
तो पूरे गांव में किल्लत है पानी की। हाँ जी पूरे गांव में जी, और भी और पास का बनने दिया, यहाँ सब ऐसे पानी पीते है मोर। अच्छा हजार को कुंडा आता चाका के 10 दिन को सब महीना। देखिए नगीना उपमंडल की अगर बात करें तो पीने की पानी की भारी समस्या लोगों के है, और मैं आपको बता दूं कि 263 करोड़ रुपए की हरियाणा सरकार की जो पेयजल योजना है, अब ये हम सरपंच से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार यहाँ तक इसके गांव तक जो पेयजल योजना का पानी है वो अभी तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है। हालांकि पानी को संगठित करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए इन्होंने जो है घर घर जो है पानी के कुंडे जरूर बनवाए हैं, और लोगों की ताकि प्यास बुझ सके, जरूरत के मुताबिक लोग जो है पानी, यानी कि जिंदगी का अहम हिस्सा अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में जो तिराई तिराई इन गाँवों में पानी की काफी किल्लत है, तो लगातार ग्राम पंचायतों के प्रयासों से अब इन लोगों के चेहरों पर जो है मुस्कान देखने को मिल रही है कि भाई इनको पानी के कुंडे वगैरह बनवाए गए हैं, और पानी को संगठित रखने के लिए, जो स्टोरेज रखने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए या पीने के लिए जो पानी है अब इनमें जो है इन कुंडों के अंदर ग्राम पंचायत नाई नगड़ा के ग्रामीणों द्वारा जो है भरा जाएगा और लगातार इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए किसी भी ग्राम पंचायत का अगर कोई सरपंच है तो उसको विकास के नाम पर जो है ग्रामीण वोट देते आ रहे हैं, और विकास इनका हो यानी ग्रामीण, इसी वजह से जो है ग्राम पंचायत के सरपंचों को वोट करते हैं। ऐसे में एक महिला और है हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगवानी। अच्छा तो यहाँ जो है आपकी पंचायत में किस तरीके से काम करा है सरपंच? अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। स्कूल में पहले तो इस पे रास्ते पे जो है कूड़ा करकट पड़ा हुआ नजर आता था, साफ सफाई खूब बढ़िया काम करा रहा है। अच्छा पीने के पानी की यहाँ किल्लत है तो क्या ऐसी क्या स्कीम लेकर आए? कुंडा वगैरह बनवा रहा है। अच्छा घर घर कुंडा बनवा रहे हैं ताकि पानी की पूर्ति हो सके। तो और क्या समस्या है आप लोगों की? पानी की जैसे अब ये पानी है जी, हमारे गांव में पानी जरूर आना चाहिए, हम कुंडान से गुजारा करते हैं। पाइपलाइन 263 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, उसके तहत लाइन जुड़नी चाहिए, कुंडों में आ जाए आपके पानी। हाँ जी पानी जरूर आना। ग्राम पंचायत नाई नगड़ा के विकास कार्यों की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, और ऐसे में हम एक जगह और आए हैं, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा ग्राम पंचायत द्वारा जो है कुर्सी वगैरह बिछवाई गई है। बाकी जो पानी की समस्या है उनके लिए ग्राम पंचायत द्वारा जो है अलग अलग घरों में कुंडे इत्यादि बनवाए गए हैं ताकि ग्रामीण अपनी प्यास बुझा सके। ऐसे में हरियाणा सरकार से बार बार जो है ग्रामीण ये भी अपील करते नजर आ रहे थे कि जो पेयजल योजना है उसके तहत ये गाँव जोड़ा जाए ताकि यहाँ जो टैंकर पानी के टैंकर आते हैं, जो मूल्य पानी के टैंकर खरीद कर पीते हैं, ऐसे में तो इनको ग्रामीणों को फ्री पानी मिलना चाहिए। अगर सरकार द्वारा 263 करोड़ रुपए की पेयजल योजना दी है तो उसका ग्रामीणों को फायदा होना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ महिला है, क्या नाम है जी आपका? हरसीना। तो जो है ग्राम पंचायत का सरपंच है, किस तरीके से विकास कार्य कराए गए आपके? खूब अच्छी तरीके से विकास कर रहे हो। अच्छी तरीके से? हाँ। क्या क्या विकास किए गए? विकास करे गए जो है कुर्सी वगैरह धरवा दी, कुंडा उंडा बनवा दिए। अच्छा और कुल मिला के खूब बढ़िया विकास कर रहे हो, लाइट वाइट को कोई सब सुविधा, कोई दिक्कत ना। तो पानी के लिए क्या कोई खास कदम उठाए गए हैं? पानी के लिए कदम उठा रखा है, बन रहा है, अभी लाइन चालू ना हुई है। अच्छा कुंड वगैरह बनवा? हाँ बनवा लिए। तो घर घर बनवाया कुंड? हाँ घर घर बन गए कुंड तो। अच्छा हाँ। तो लगातार जो है ग्रामीण जो है ग्राम पंचायत तो नाई नगड़ा की सरपंच है उसके कार्य से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद आशिफ है जी मेरा नाम। आशिफ भाई, युवा एक राजनीति का अहम हिस्सा भी होता है, और जो है युवा अपनी आवाज़ बेखूबी उठाने भी जानते हैं अगर कोई कहीं पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं या कोई और बात है। हाँ जी। तो ग्राम पंचायत नाई नगड़ा की बात करें तो किस तरीके से यहाँ विकास कार्य किए गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया विकास चल रहा जी, और सरपंच साहब ने यहाँ पे जगह जगह चौपाड़ों में और मतलब जहाँ जहाँ ठिकाना होता है युवकों को बैठने का, वहाँ पे कुर्सी बिछा दी गई है, और फिर जैसे एक चैम्बर बन गया है अपने गांव में, और फिर बिजली की भी समस्या अब कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा। और फिर सरपंच साहब से बात होती रहती है, वह बोल रहा है आगे तक भी इंशाल्लाह अच्छे विकास कराएंगे। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट हैं, हम तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह संतुष्ट। तो ऐसी कोई समस्या है गांव में जो है अभी तक, जो 12 तारीख को यहां पे एसडीएम मैडम आएंगी और भी अधिकारी आएंगे जिले के, लगभग जो जनसंकल्प यात्रा है बीजेपी सरकार की, तो वो अपना अभियान लेकर आ रहे हैं, तो ये समस्या है गाँव की जो रखने योग्य है? हाँ जी, सरपंच साहब ने बुलाए हैं, वे बड़े बड़े अधिकारी जैसे भी आएंगे, और इनने पूरे गांव में सहयोग कराया कि भाई सभी युवक वहां पे स्कूल में बैठे, और फिर जैसे भी किसी की बात है संतुष्टि के लिए उनके सामने रखें।
और भी जो आपके विकास कार्य ताकि और ज्यादा हो, हाँ ज्यादा हो सके, मतलब उसे अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर जैसे भी अच्छा, कौन है आपके गांव की सरपंच? आरिशा। अच्छा आरिशा है आपके गांव की सरपंच। तो पढ़ा लिखा सरपंच बनाने का अबकी बार ग्राम पंचायतों को फायदा हुआ? जी फायदा ही फायदा हुआ है जी, विकास कराए गए। हाँ जी विकास अच्छा हो रहा है जी, और मस्जिदों के पास भी कुर्सी लगा दी गई है, और फिर जैसे कुंडा वगैरह हैं, जैसे मतलब जिन भाइयों के नहीं आए उनका नाम लिखा गया है, कुछ कुंडा बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। ठीक है। लगातार ग्राम पंचायत नई नंगड़ा की जो समस्याएं आप सुन रहे थे, और लगातार ग्रामीण अपनी मांग जो सरपंच से भी करते नजर आ रहे थे, उधर हमने साफ सफाई के बारे में, जो भारत स्वच्छ मिशन अभियान के बारे में जानने की कोशिश की, तो प्रत्येक रास्ते में साफ सफाई भी अच्छी मिली। और रही बात पानी की जो मूलभूत सुविधा, बिजली पानी इत्यादि पर बेहतर तरीके से जो कार्य मिला, हम नहीं कह रहे और एटीवी भारत न्यूज इस चीज की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता। रही बात ये कि ग्रामीणों की ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो ग्रामीणों ने अपनी बातें रखी और अपनी समस्याएं भी रखी। ऐसे में अगर बात की जाए तो नई नंगड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच है आरिशा, वो हमारे साथ है, वो बताएंगी आखिरकार जो है ग्राम पंचायत में कुछ समस्याएं भी है, और अब तक अगर विकास कार्य कराए हैं तो क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं। अभी तक जो है महिलाएं यहाँ की पानी की समस्या से जूझती नजर आ रही है, और अगर एक बड़ी समस्या यहाँ है जो यहाँ बाजू में ही मीट फैक्ट्री है, जहाँ मक्खी मच्छर और बदबू, इसमें जो है पशु वगैरह जो काटे जाते हैं, तो यहाँ तक जो है इनकी बदबू आती है, तो संपूर्ण तरीके से बीमारी फैलने का खतरा होता है। इनसे भी आज हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार इन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई और क्या प्रशासन का कहना है। सरपंच, अगर आपके गांव की बात करें तो यहाँ पर जो है महिलाओं की बात करें, महिला पीने के पानी को लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, तरस रही है, तो क्या आपने अपनी पंचायत की तरफ से क्या ऐसे विशेष कदम उठाए? भैया महिला परेशान है पानी से, पानी के कुंडे बनवाए। अच्छा, काम चल रहा है अभी तो। करीब कितने कुंडे बनवाए गए? यूनिवर्सल बनवा रखे, करीब कुंडे बन गए 15-20। पंद्रह बीस कुंडे बनवाए। हाँ। और भी बन रहे हैं? अभी बन रहे हैं, काम चल रहा। अच्छा, तो अगर यहाँ बात की जाए तो कहीं बच्चे बीमार हैं, यहाँ आपके यहाँ पे पंचायत में ही एक मीट फैक्ट्री है जिसमें बड़ी बदबू आती है, ग्रामीण महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, और अगर लोगों की बात करें, लगातार लोगों की आवाज़ है, लोगों की मांग है। भैया परेशान है, मक्खी आती है, आवाज़ उठाएंगे मक्खी के लिए, महिला से कहेंगे सबसे। अच्छा, बंद कराएंगे इन मक्खी गांव में हो रही हैं जो, तो इन फैक्ट्री वालों की कमी है, कमी है बहुत ज़्यादा। तो आगे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से विकास कार्य कराए जाएंगे? विकास काम विकास करवा रहे हैं। लगातार जो है नई नंगड़ा ग्राम पंचायत के कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार ग्राम पंचायत की सरपंच है जो आरिशा, किस तरीके से उसके द्वारा जो है विकास कार्य कराए गए, और क्या विकास कार्य बाकी हैं जो अभी तक ग्राम पंचायत में नहीं हो पाए हैं। क्या नाम है आपका? कासम। अच्छा, आपके गांव में जो सरपंच है, क्या नाम है सरपंच? आरिशा। और कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत क्या नाम? ग्राम पंचायत नई नंगड़ा। अच्छा, किस तरीके से विकास कार्य किए गए हैं? विकास अच्छा कर रही है सरपंच साहब। अच्छा विकास, अच्छा विकास, क्या क्या विकास कार्य किए? एक कुंडा भी बनवा दिया है, और गांव का रास्ता भी कुछ बाहर का रास्ता भी साफ करवाया है। अच्छा, आगे का रास्ता भी साफ करवाया है, जो नई नंगड़ा स्कूल ताजपुर जा रहा है ये भी साफ करवाया। रास्ते पे तो कीचड़ 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 है, ये बीच का रास्ता है जो ये बंद खुला पड़ा दब रहा है, ये क्लियर होना चाहिए, ये है सरपंच की सोच। सुनती तो है ना आपकी? हाँ, सरपंच हाँ सुनती है, जैसे कोई आप बात करते हो यहाँ आके, भाई हमारा ये विकास होना चाहिए, जहाँ पानी की कमी है ग्राम पंचायत में, महिलाएं परेशान हैं, कहती है, कहता है, करंगा भी। तो अगर यहाँ बात की जाए तो एक मीट फैक्ट्री है, मीट फैक्ट्री ये बहुत नुकसान दे रही है, इसमें बच्चा भी बीमार है, बालक भी बीमार बहुत, न रात दिन कटन देवा, न दिन में नहीं चिपटी डोला, इसको भी मतलब होनी चाहिए रोक, या दवा गिरनी चाहिए फैक्ट्री वाला ने, या ये बंद करी जाए। अच्छा, कोई हाँ। ग्राम पंचायत की तरफ से आपने कहा सरपंच से कि भाई ये होनी चाहिए? हाँ कहा है। तो शिकायत वगैरह कहीं दी है? देंगा भी, दी भी है। अच्छा, हाँ सरपंच से कहिए, देंगे के साथ। हाँ देंगे, कहिए सरपंच से। चलो, पानी का कैसे मैनेज कर पाते हो आप, जो है जो पानी के कुंडे बने हुए हैं अभी तक उनमें पानी भी नहीं है, किस तरीके से कर पाती है? पानी एक बड़ी समस्या है पानी की महिलाओं के लिए। पानी की समस्या बहुत बड़ी है जी, करवाएंगे जी, पानी भी डलवाएंगे, क्या बात है। अच्छा, और बढ़िया विकास करवा। सरपंच के विकास से संतुष्ट हो क्या आप?
खूब खुश हैं संतोष। अच्छा, बढ़िया विकास करा रही है सरपंच जी। हाँ।